हे फाइंडर्स, स्वागत है आपका। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि फिर बिक गया है याहू। जी हाँ फाइंडर्स, एक जमाने में इंटरनेट सर्च और ईमेल में टॉप पर रहने वाली याहू को फिर से बेच दिया गया है। बेरिजन कंपनी ने साल 2015 में याहू और एओएल को खरीदने के लिए लगभग 9 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, लेकिन बेरिजन कंपनी याहू से गूगल और फेसबुक जैसी इंटरनेट कंपनियों को टक्कर नहीं दे पाई और इस प्रकार बेरिजन कंपनी का डिजिटल मीडिया बिजनेस का सपना अधूरा ही रह गया। फाइंडर्स, यहां आपको बता दें कि जब याहू 1994 में लॉन्च हुआ था, तब ना तो गूगल था और ना ही फेसबुक, फिर भी ये सब मौजूदा समय में याहू से बहुत आगे निकल चुके हैं। फाइंडर्स, याहू का एक समय ऐसा था कि साल 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को खरीदने के लिए 44 बिलियन डॉलर की पेशकश की थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट याहू को खरीदकर इंटरनेट सर्च और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में गूगल को कंपटीशन देना चाहता था, लेकिन याहू की डिमांड उस समय 57 बिलियन डॉलर की थी, इसलिए याहू ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को ठुकरा दिया था। एक्चुअली में बात क्या थी कि उस समय याहू का सर्च इंजन याहू मेल और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट गूगल के साथ टॉप पर थे एवं याहू का उस समय यूजर बेस भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए याहू के मालिक ने उसे उस समय माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेचा था। लेकिन फाइंडर्स, आगे चलकर याहू की लोकप्रियता में गिरावट आना शुरू हो गई और साल 2015 में बेरिजन कंपनी ने याहू के साथ एओएल तक को खरीदने के सिर्फ 9 बिलियन डॉलर दिए थे। परंतु अब साल 2021 आते आते गूगल के मुकाबले याहू बहुत पीछे रह गया है और इसकी लोकप्रियता भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। यही कारण है कि जिस याहू को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2008 में 44 बिलियन डॉलर की पेशकश की थी और जिसे साल 2015 में 9 बिलियन के आसपास बेरिजन ने खरीदा था, उसे ही बेरिजन कंपनी ने सिर्फ 4.83 बिलियन डॉलर में अब बेचा है। फाइंडर्स, इस बार याहू को न्यूयॉर्क में स्थित एक इन्वेस्टमेंट फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने खरीदा है। 5 बिलियन डॉलर में फाइनल हुई इस डील में याहू के साथ साथ बेरिजन कंपनी ने याहू फाइनेंस, याहू मेल और इनगैजेट एवं टेक क्रंच जैसे टेक ब्लॉग भी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट को बेच दिए हैं। अब बेरिजन कंपनी यह सब बेचने के बाद अपने 5G नेटवर्क बिजनेस पर ध्यान देने वाली है। फाइंडर्स, याहू कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर और नमस्कार।